और नहीं कर पाएंगे। चलो 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 ऐसे 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 बाबू देखो मेरा क्लिप पकड़ लिया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जैसे गुड कैमरा ऑन किया तो बस स्टार्ट हो गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी देखो मेरी बेटी जो है पराठे के साथ खेल कूद कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। तो अभी 10 बज चुका है और मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी बना लिया। और बेटी को मैंने एक्चुअली आज पालक के एक पराठे बना के दिया। मैंने तो अपने लिए पालक पूड़ी बनाई थी। एक्चुअली बहुत दिनों से ही सोच रही थी कि लूची और पूड़ी वगैरह नहीं खाया, तो आज मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ। और पालक भी है फ्रेश वाला पालक, तो इस वजह से अच्छे से बना लिया। और देखो बेटी के लिए तो पूरी नहीं दिया क्योंकि ऑयली होता है, इसलिए तो मैंने क्या किया उसको एक पराठे बना के दिया। आजकल मैं रोटी या पराठे जो भी बनाती हूँ तो उसको भी देती हूँ, तो एक लेके बस उसको थोड़ा बहुत चबाते हैं, थोड़ा बहुत फेंकते हैं, ऐसे करके थोड़ा बहुत खाने को मतलब सीख जाएगी। तो इस वजह से मैंने सोचती हूँ कि तरह दे देती हूँ रोटी या पराठे जो भी है, तो उसको लेके काफ़ी टाइम तक चलता है, मतलब आधे घंटे एक घंटे करीब उसको लेके कुछ टाइम तक रहते हैं। और अच्छा भी है, खुद से खाना भी सीख लेता है बच्चे, तो एक अच्छी साइन भी है। तो हम लोग जब खाएंगे इसको भी दे देंगे। अब तो वैसे अभी तक दांत नहीं आया है लेकिन फिर भी चबाने लग गई थी। बहुत हार्ड हो गया है, जो गम है वो हार्ड हो गया है, बट आ जाएंगे कुछ दिनों में ही दांत। तो दांत आने से तो सब कुछ काटने भी लगेगी। तो बस इस तरीके से चल रहा है मॉर्निंग में इसका, पराठे के साथ पालक पराठे, और मैं ले रही थी पालक पूरी। तो बस ये सब चल रही है।
ये मेरा ब्रेकफास्ट है और मैंने एक्चुअली कल रात को ही ये पालक की सब्जी बनाई थी। पालक, गाजर, आलू, बैंगन, शीम, ये सारे सब कुछ दे के एक मिक्स्ड वेज टाइप बनाया था, तो वो था और पूरी के साथ। बस अभी मैं इसको खा रही हूँ। तो ये सब्जी भी मैंने बहुत दिनों बाद बनाया, मम्मी बनाती थी घर पे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी ये पालक वाला सब्जी। बहुत सारे चीज़ों के साथ बनाते हैं सब्जी मुझे, तो मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ और बहुत दिनों बाद। और यहाँ पे ना पहाड़ में जो पालक मिलता है ये बिल्कुल प्लेन से अलग होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इस पालक का, ऐसा पालक का प्लेन्स में आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी धूप में आए हैं बेटी को लेके। ये देखो बाहर का बहुत ज़्यादा धूप है। अच्छा है, सर्दी में से धूप रहना चाहिए। देखो देखो मेरे शरारती बच्चे, इधर देख बाबा बबली। इतना धूप है कि मैं देख नहीं पा रही हूँ आंखों। बाबी जी खुल डाइट है। और जब हम लोग धूप में बैठे थे तो परी की मम्मी भी आ गई, परी और उसके मम्मी, और यह है आयुष की नानी जो मैं एक पहले वीडियो में दिखाया था। देखिए आयुष हमारे पास में रहते हैं, मतलब हमारे पीछे के रूम पे रहते हैं। तो वो ना आ गए थे, मैं जब धूप में आती हूँ लेके तो वो लोग आ जाते हैं थोड़ा बहुत मिलने। तो अभी देखो उसके साथ भी चल रही है। वैसे नानी के गोद में तो बिल्कुल नहीं रो रही थी, पहली बार देखा, लेकिन फिर भी नहीं रो रही है, अच्छा है वैसे। और ये परी के साथ ये लड़की जो है ये ये परी के आगे वाले रूम पे रहते हैं, सॉरी आगे नहीं पीछे वाले रूम पे, तो सब आसपास के ही है। और परी के साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं। देखो अब से चुप है लेकिन थोड़ी देर में रोने लग जाएगी। वैसे अब बहुत टाइम तक धूप में थी तो उसको भूख भी लग गई, इस वजह से देखो रोने लग गई। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और अभी लगभग 2:30 बज चुका है और उस टाइम हम लोग धूप में थे, तो धूप में रहने के बाद रूम पे आई, फिर बहुत सारा काम था क्योंकि शिफ्टिंग वगैरह चल रही है और सारे सामान वामान रखना हो रहा है, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। फिर खाना बना बनाना सब जल्दी जल्दी हो गया है और बेटी को भी खिलाया, उसके लिए खाना बनाना, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई। अभी बस स्टार्ट किया है और बस मैंने अभी 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 जस्ट नहाया, आज लेट भी हो गया है काफ़ी। और हस्बैंड तो चले गए खाना खा के, वो भी लेट में ही आए हैं और जल्दी खाना खा के चले गए। और अभी मैं खाऊंगी और यहाँ पे जा रहे सो सब्जी वब्जी है, इसको सारे गर्म कर रही हूँ, नहीं तो बिना गर्म किए हुए अब खा ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है सब चीज़ें। तो वो सब अभी कर रही हूँ, गर्म हो रहा है बस, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी और तब मिलते हैं आप लोगों से, फिर बातें करते हैं।
कैमरा ऑन किया तो बस स्टार्ट हो गई। हाँ तो बस अभी लंच हो गया है और लंच करने के बाद मैं कुछ कर रही थी काम, और ये बाबा उठ गई है। तो अभी उठ जाई तो मैंने सोचा तेरे वीडियो को ऑन कर देते हैं, तो इसका रिएक्शन जो है वो चालू हो जाएगी। बहुत बोलती है आजकल, और आज ना ये घुटनों के ऊपर भी चल रहा है, घुटनों के ऊपर खड़े ऐसे होके चलने लगे हैं। वैसे तो 3-4 दिन से पूरी बेड पे इधर से उधर हो रहा है, खुद अकेले अकेले, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको रख के कुछ कर पाऊँ, हमेशा से देख के रखना पड़ रहा है। तो हाँ, ये सब तो कर ही रही थी, और आज जैसे मैं बाहर ले गई थी उस टाइम पे धूप में, तो बस उस टाइम पे देखा कि चलो घुटनों के ऊपर चलने लग गई है अभी, घुटनों के ऊपर। पलटी मार लिया बाबू। हेलो बेटा, बेटा इधर देखो, अरे दी रिद्धि। मस्त है, मस्त है, अपने में मस्त है बहुत। और अभी ना मैं एक्चुअली एक वीडियो बना रही थी, मेरे इस घर का होम टूर का वीडियो छोटा सा, मैं उसको अलग से डालूंगी, इस वीडियो में नहीं दूंगी। तो वो भी अचानक से मैंने प्लान किया है कि चलो इसको बना लेते हैं, क्योंकि कल परसों शिफ्टिंग कर लेंगे। बाबा लागछे तू, ये भी ना आजकल मेरे बाल अगर खुले रहेंगे थोड़ा सा भी उसको खींचने लगते हैं। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि चले जाएंगे, तो सोचा कि थोड़ा सा वीडियो छोटा सा बना लिया जाए। वैसे तो उस तरह से प्लान नहीं है, अगर प्लान करके आप करते तो अच्छे से सजा धजा के कर सकते हैं सज के घर को, तो वो नहीं कर पाई, जैसा था वैसे ही मैंने वीडियो बना लिया। अब इसको मैं अपलोड ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये इतने दिन तक इस घर पे थी, लगभग 4 साल हो गया है। तो इस 4 साल में छोटे बड़े बहुत सारे मेमोरीज है इस घर से जुड़ा हुआ। और दूसरी बात देखिए, घर तो रेंट का है, लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप अपने घर समझ के ही रहते हैं। आप चाहे कहीं पे भी रहे, रेंट पे रहे, अगर आप अपने घर समझ के नहीं रहेंगे तो आप अच्छे से रह नहीं पाएंगे। तो वो चीज़ है, अपना घर समझ के हम लोग इतने दिन तक रहते हैं और रहते थे, सॉरी। और दूसरी बात है, हमारा जो मकान मालकिन और लोग हैं पास में, तो वो लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। वो उससे उस फीलिंग नहीं होने दिया कि आप किराएदार हैं, अलग से आपका घर रह रहे हैं, ऐसे कुछ फीलिंग्स उन लोगों ने उन्हें भी नहीं दिया, तो अच्छा है। और वैसे भी इधर का लोग भी अच्छे हैं काफ़ी, तो वो फील नहीं हुआ मुझे। बाबू देखो मेरा क्लिप पकड़ लिया। और आज स्पेशल डे है हमारे हमारे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज हम लोगों का एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी मतलब रजिस्ट्री रजिस्ट्री मैरिज है, आज रजिस्ट्री मैरिज का डेट है, 30 जनवरी। तो आज के दिन हम लोगों का रजिस्ट्री हुआ था, और ठीक उसके 3 दिन बाद हम लोगों की शादी हुई थी। तो स्पेशल डे है ज़रूर, बट यहाँ पे हम लोग स्पेशल डे करने के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं कर सकते। आई बाबू, क्योंकि सिटी तो नहीं है, आसपास कहीं जाएंगे भी नहीं, और इनका भी कोई छुट्टी नहीं है, तो चलो जैसे है ये सब है। और देखती हूँ रात को कुछ स्पेशल खाना होती है कि नहीं, वो भी प्लानिंग नहीं है कुछ भी, तो बस देखते हैं कैसा होता है, उस हिसाब से किया जाएगा। बाकी मुझे कुछ काम भी है, और क्योंकि और भी काफ़ी सारी चीज़ है जिसको
रखना है, लगेज बैग जो है उसके अंदर रखना है सब कुछ, बाकी सारे सामान जो है, और मेरे हस्बैंड आ जाए, फिर उसके बाद दोनों मिलके बाकी का चीज़ जो है इकट्ठा करेंगे जितना हो सके बाबू। फिर अभी बस चलती है सॉरी, तो बस करेंगे आगे आगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग बोलो तो मेरी बेटी के चेहरे में वो स्माइली आ जाती है जो कि प्राइसलेस वाला स्माइली। को भी मस्तीबाजी चल रही है मेरे साथ, मैंने बोला कि कुछ पैकिंग करना है मुझे भी, लेकिन अभी जा ही नहीं पा रही इसको छोड़ के, नहीं तो नीचे गिर जाएगी इधर उधर करते हुए। और आज ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, दो हीटर चलाया मैंने। बाबा ला, उठो 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 माँ उठो, दो हीटर यहाँ पे, एक देखो ब्लोअर चल रहा है बेड पे इधर, और नीचे चल रही है ये वाला हीटर, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। अभी बस मेरे साथ मस्ती बजी चल रही थी। हमीदे तो हमीदे बब्बा ट्राइपॉड खींचना चाह रहा है, तो मैं भी किचन में आ गई हूँ और इधर दूध रखा हुआ है और यहाँ पे चावल है जिसका मैं खीर बनाऊंगी, और मैं अपने लिए चाय भी चढ़ा दिया। बस चाय बन जाए उसके बाद मैं चाय पी लूँगी और तब हस्बैंड आ जाएंगे और साथ मिल के आगे का जो काम करेंगे, और बीच में अगर मौका मिल जाए तो कर लेंगे बाकी का काम। और इसको भी बिस्किट लेना था, आगे ही देखो गोद में शोनम शोनम। मम्मा ये देखो बिन बैग में बैठा दिए, क्योंकि मैं इस रूम में कपड़ा वपड़ा रख रही हूँ ना, ये ट्रॉली जो है मुझे भरना है सब कुछ जितना भी बाकी है सब कुछ देखे, तो उस रूम पे रख के आऊँगी तो बार बार उधर भागना पड़ेगा, इस वजह से इसमें बैठा दिया, अब इससे हिल भी नहीं पाते
अब और नहीं कर पाएंगे, चलो 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 आश 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 इसको लग रहा है मैं भी उठाऊंगी ना गोद में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाबा आ जाओ आ जाओ आ जाओ देखो ये देख के हेलो बाबू अभी ठीक है। मैं अभी आयुष के नानी के गोद में था कितना टाइम तक कुछ भी रोई नहीं, थोड़ा सा भी नहीं रोई। दो दिन आज भी थे काफी टाइम तक। अभी रिद्धि खुद इधर खीर जो है वो बना लिया है और खीर बनाते टाइम वीडियो नहीं बनाई। ये है कुछ खीर, गोविंद हो गए चाल उसके साथ, बंगाली लोगों को पता है बहुत अच्छा होता है। और अभी बेटी जो है अभी थोड़ा सा सोई है, तो इस बीच में मैं अपना जितना हो सके काम कर लूँ पैकिंग का। जिनको है बेटिया कहते हैं जाओ खेना खेना ओके रखे था। এই 12টা বাজে কখন ঘুমাবি? হ্যাঁ মাম্মাম প্যাকিং করবে, তুই কি হেল্প করে দিবি সাথে? হ্যাঁ तो अभी देखो मेरे बेटी जो है कप लेके खेल रहे हैं और 12 भी बज चुका है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, हैव अ गुड स्लीप।